ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम जो है क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस की बात करेंगे रेजोनेंस सर्किट में, जो कि सीरीज एलसीआर सर्किट है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जिसको हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्यू फैक्टर है ये क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस आइदर एल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मैं ये सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करूं, ठीक है, यहां पर अप्लाइड वोल्टेज ये है, यहां पर वीएल, ये वीसी और ये वीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू इज इक्वल टू VL और VC डिवाइडेड बाई V, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस टू द अप्लाइड वोल्टेज, इसका जो रेशियो होता है इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। अब अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूँ, पहले सबसे हम इंडक्टेंस के केस में ले लेते हैं, ओमेगा नॉट L डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अच्छा ओमेगा इंटू एल और इंटू आई, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है सीरीज इंडक्टेंस में, जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा, टोटल इम्पीडेंस में करंट वही होगा, ठीक। तो वोल्टेज यहाँ पर क्यू, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ वन बाई ओमेगा नॉट सी इंटू आई डिवाइडेड बाई आई इंटू आर, दोनों ही इक्वल है, ठीक है। यानी अगर मैं इस तरह से बात करूं तो ये आ सकता है, ठीक। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट एल ओवर आर, या फिर वन ओवर ओमेगा नॉट सी आर, ठीक है, ये हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर किसी भी सर्किट के लिए, ठीक। अब अगर मैं ये मान के चलूं कि जो ये ओमेगा है वो रेजोनेंट जो है फ्रीक्वेंसी है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ओमेगा जो है वो कितना होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, फिर रेजोनेंस इज देयर, सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक, एंड ओमेगा आर इज इक्वल टू कितना होता है, सभी लोगों को पता है ओमेगा आर जो है वो कितना होता है, अंडर रूट वन अपॉन एल सी, ठीक है। ओमेगा आर कितना होता है, अंडर रूट वन अपॉन एल सी, या फिर वन अपॉन रूट एल इंटू सी होता है, यही होता है, ठीक। तो हम अगर इसको पुट करें तो क्यू कितना आएगा हमारा, ये वैल्यू पुट करें तो क्यू यहाँ पर लिख देते हैं, ओमेगा आर इंटू एल ओवर आर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा आर सी इंटू आर। अब हम दोनों के केस में इसको निकालने की कोशिश करते हैं, दोनों को कैसे निकाल सकते हैं वो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो Q जो है, अब ओमेगा आर को हम इस तरह से वैल्यू पुट कर देते हैं कि वन अपॉन रूट एल इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू आर, सो हियर इज वन बाई आर रूट एल ओवर सी आ जाएगा, ठीक। तो दोनों के केस में सेम आएगा, अभी सी के केस में देख लेते हैं, तो सी के केस में भी वही आएगा,
इसको कर लेते हैं वन अपॉन ओमेगा आर, वन अपॉन ओमेगा अंडर रूट एल इंटू सी इंटू सी इंटू आर, तो ये भी वही आ जाएगा वन बाई आर रूट एल ओवर सी। यानी किस क्वालिटी फैक्टर जो है सीरीज रेजोनेंट सर्किट के केस में कितना आएगा, वो जो है इस तरह से आप देख रहे हैं वन अपॉन आर रूट एल बाई सी, इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्वालिटी फैक्टर है इसी को हम जो है देखते हैं। ठीक, तो किसी भी सर्किट के लिए रेजोनेंट कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप